गर्भपात को लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। तो नया कानून बनाने की तैयारी गर्भपात को लेकर, जहां पर अब 24 हफ्ते तक गर्भपात हो सकेगा, तो अब अविवाहित महिला भी गर्भपात करा सकेगी। पहले विवाहित महिला ही गर्भपात करा सकती थी, पहले 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने का प्रावधान था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक नया कानून गर्भपात को लेकर बनाने की तैयारी यहां पर चल रही है, और इसी के तहत आपको बता दें कि 20 हफ्ते तक पहले गर्भपात कराने का प्रावधान जो था उसको खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और इसके साथ ही अब 24 हफ्ते तक गर्भपात हो सकता है। तो नया ये कानून बनाने की तैयारी है, और इसी के तहत आपको बता दें कि अविवाहित महिला भी जो है, अविवाहित महिला भी वो भी गर्भपात करा सकती हैं। पहले विवाहित महिला ही गर्भपात करा सकती थी, लेकिन एक नया कानून बनाने की तैयारी फिलहाल गर्भपात को लेकर, जिसको लेकर काफी वक्त से ये चर्चा चल रही थी कि जो हफ्ते पहले 20 मिलते थे उसको आगे बढ़ाया जाए, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोशिशें अब यहाँ पर शुरू की जा रही है, अब जब 24 हफ्ते तक गर्भपात महिलाएं करा पाएंगी। तो पहले अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात नहीं करा पाती थी, लेकिन अब अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करा पाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गर्भपात को लेकर मिल रही है, गर्भपात को लेकर नए कानून को लेकर ये मिल रही है, जहां पर अब बदलाव करते हुए एक नया कानून गर्भपात को लेकर बनाया जा रहा है, और इसके तहत कई सुविधाएं यहां पर, और इसमें 20 हफ्ते में जहां पहले गर्भपात कराने का प्रावधान था उसको बढ़ा दिया गया है, 24 हफ्ते उसको कर दिया गया है। इसके साथ ही अब अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करा सकेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे यहाँ पर जुड़ गए हैं। अमित, काफी वक्त से ये चर्चा थी और कोशिश ये की जा रही थी कि हफ्ते जो है ऐसे में बढ़ा दिया जाए और कुछ सहूलियतें यहाँ पर दी जाए, तो ये कोशिश यहाँ पर दिख रही है इसके साथ ही। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी समय से मांग चल रही थी और आज कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दे दी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को मंजूरी दी गई है, 1971 का एक्ट था जो जिसे मंजूरी दी गई। अब जब पार्लियामेंट का सत्र स्टार्ट होगा तो उस सत्र में इस बिल को पास कराया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ जिस जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी कि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए खासतौर पे 20 हफ्ते की जगह अब 24 हफ्ते तक का वक्त होगा। इससे चूंकि जो महिलाएं थी उनमें जिस तरह से मृत्यु दर बढ़ रही थी उससे भी निजात मिलेगी, और दूसरी जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोल होगा। तो जाहिर तौर पर इस तरह की पॉलिसी की पहले से ही लंबित थी, जिसकी लगातार मांग की जा रही थी। दूसरा, कैबिनेट ने अहम फैसला दिया है कि जो नई परियोजना है उनका 30% आवंटन जो है वो खासतौर पे जो वंचित क्षेत्र हैं, जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को दिया जाएगा। अब तक जो है समानता के आधार पे जो या सरकार जो कोई इस पे इसे लेके रिजर्वेशन नहीं था, सरकार को डिसाइड करना होता था कि नई परियोजनाओं का आवंटन कहाँ करना है, केंद्र सरकार के ऊपर होता था। लेकिन अब चूंकि इसे लेके भी एक पॉलिसी केंद्र सरकार ने कैबिनेट में आज मंजूरी दी है और एक पॉलिसी तैयार की गई है कि जितने भी चाहे वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हों या जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, जो वंचित क्षेत्र हैं, उन्हें नई परियोजनाओं के आवंटन में भी 30% की 30% एक तरह से कहा जा सकता है कि 30% रिजर्वेशन देगा। जो कानून, नया कानून बनाने की बात यहां पर कही जा रही है, कब तक ये बनेगा और क्या पूरा खाका इसका तैयार यहां पर कर लिया गया है, क्या कुछ और बिंदुओं को भी इसमें जोड़ा गया है अभी? देखिए पार्लियामेंट का सत्र जो है वो 31 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और सबसे बड़ी चीज की उससे पहले कैबिनेट जो है जिन अध्यादेशों को मंजूरी देती है, जो बिल लेके आती है, पहले उन बिलों का कैबिनेट में पास होना होता है और उसके बाद उन बिलों को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। और अब चूंकि बजट सत्र आने वाला है, बजट सत्र के बाद फिर एक और नया सेशन जो है वो खासतौर पर अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, तो जाहिर तौर पर अब पार्लियामेंट के दिन आने वाले, तो इससे पहले कैबिनेट को जो भी जरूरतें हैं उसके अनुसार कैबिनेट को
बिल पास कराने, मंजूरी देनी है और उसके बाद उन बिलों को संसद में पेश करके कानून बनाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि अब तक जो विवाहित थी या अविवाहित महिलाएं थी वो सिर्फ 20 हफ्ते तक प्रेगनेंसी को अपनी टर्मिनेट करवा सकती थी। अब चूंकि ये भी एक, जिस तरह जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये भी एक बड़ी चीज थी कि लोग चाहते थे कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराएं, लेकिन इसके बावजूद कानून के तहत वो कर नहीं पाते थे। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट और अन्य कोर्टों में भी इस तरह के कई मामले लंबित हैं, खास तौर पे अविवाहित महिलाओं के लिए। तो अब चूंकि जब इस तरह का कानून आ जाएगा तो फिर इसके लिए किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 24 वीक्स यानी 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी करवाने के लिए हर महिला आजाद होगी। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। गायनेकोलॉजिस्ट रूपम अरोड़ा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। रूपम जी, इस नए कानून को लेकर आप क्या कहती हैं, क्या ये सही है इस वक्त पर लेना फैसला? हाँ जी, ये काफी सुखद विषय है क्योंकि हम लोग अभी तक बहुत डिलेमा में रहते थे, क्योंकि जनरली जब पेशेंट का एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है वो 19 हफ्ते पे होता है जनरली, और एक फीटल इको होता है जो कि 22 से 24 हफ्ते पे होता है। अगर इको में कुछ खराबियां निकलती हैं और अगर पेशेंट अबॉर्शन कराना भी चाहता है तो वो हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि लीगली वी आर बाउंड फॉर डेथ, है ना। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा विषय है, यानी कि इस फैसले में रूपम जी महिला को कोई खतरा ना पहुंचे, इसको भी खास ध्यान रखा गया होगा इसका भी? नहीं, वो तो देखिए 22 और 30 हफ्ते में और उसमें कोई अबॉर्शन पद्धति है उसमें कोई बहुत फर्क होता है जो चीज 20 हफ्ते पे है पर, लेकिन ये कि कानून हम लोग बंधे हुए थे उससे, क्योंकि जनरली जब तक अल्ट्रासाउंड कराता है, इको कराता है तो उसमें टाइम लैप्स हो जाता है और फिर अगर 20 हफ्ते से एक्टिव भी ऊपर हो जाता है तो फिर हम लोग मना कर देते हैं पेशेंट को। जी जी, तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। चलिए, धन्यवाद आपका रूपम जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।